नमस्कार, मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको चलिए देखते हैं कि आज की क्या सिचुएशन है और हम क्या सजेशन उस सिचुएशन पे आपको दे सकते हैं। तो एक युवक है, उनकी उम्र 25 साल है। उनका कहना है कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, पर उनका पैशन उनको अच्छी कमाई नहीं करके दे रहा। बस वो उससे कुछ ही पैसे कमा पाते हैं जिससे उनके महीने की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन जिस लग्जरी लाइफस्टाइल का वो सपना देखते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा। घर वाले भी उनको बार बार फोर्स करते हैं कि वो साथ में कोई अदर काम शुरू करें ताकि वो ज़्यादा कमाएँ। वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं, मतलब ऐसी क्या कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट के काम में भी अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे। व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। सीरियसली, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग अपने इंटरेस्ट का काम भी कर रहे हैं वो भी सही तरीके से उसमें नहीं कमा पा रहे, तो उसकी क्या वजह है? तो मेरे पास इस पे 3 पॉइंट्स हैं जो एक तरह से आपकी चेकलिस्ट होंगे। आप प्लीज़ देखिए कि आप इन 3 पॉइंट्स पे किस पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से आपकी अच्छे से इनकम नहीं हो पा रही। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि आपको अपने एफर्ट्स के लेवल को चेक करना है, यानी अपनी मेहनत को चेक करना है कि क्या आप सही मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सही मेहनत कर रहे हैं, और वो आप कैसे चेक करेंगे? वो आप चेक करेंगे कंपेयर करके जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे होंगे, जो आपके मेंटोर होंगे, आपके आइडियल होंगे, आपको उनकी मेहनत से अपनी मेहनत को चेक करना है, ठीक है? जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपका पैशन है, क्योंकि आपने इसमें अपना पैशन डिस्क्लोज नहीं करा है। मान लीजिए आपका पैशन है सिंगिंग, तो आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपके जो आइडियल हैं वो मान लीजिए सोनू निगम है। तो आप सोनू निगम को अच्छे से स्टडी करिए, उनके रूटीन को जानिए और उनका रूटीन फॉलो करिए, और देखिए जो सोनू निगम जो रूटीन फॉलो करें, जितनी देर तक वो रियाज़ करते हैं, जितनी देर तक वो सिंगिंग को अपना टाइम देते हैं, क्या आप उतना टाइम दे पा रहे हैं? अगर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे तो यानी कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स में कमी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट देना होगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी पैशन है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन किस तरह से जो है पैशन कन्वर्ट होता है, वो तब होता है जब हम अपने काम से दूसरे के दिल को छू लेते हैं, ठीक है? यानी छूते कब है? जब हम कोई भी काम करते हैं और उसमें किसी दूसरे का फ़ायदा होता है। हम जो भी इंटरेस्ट का काम हम कर रहे हैं उससे हम दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह उनको खुशी पहुंचा रहे हैं। जब हम ये काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है कि क्या आपके काम से किसी दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, क्या आप किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं हार्ट टू हार्ट। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको चेक करना है कि आपका क्या प्लेटफॉर्म है। देखिए, एक बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, पर वो टैलेंट उसको कमा के इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनका प्लेटफॉर्म सही नहीं है। तो आपको, आपने आइडियल मान रखा है सोनू निगम को, आप एफर्ट भी पूरी दे रहे हो और आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो, लेकिन आप सिर्फ रेस्टोरेंट में बैठ के गा रहे हो, तो आप कैसे सोनू निगम बन जाओगे? तो आपको एक फर्दर स्टेप लेना पड़ेगा कि सोनू निगम की तरह आपको जो है अच्छी, आप सिंगिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस बनानी पड़ेंगी। उन वीडियोस को आपको बड़े जगह पे सेंड करना पड़ेगा जहाँ पे आपका जो टैलेंट है वो ढंग से शोकेस हो, और फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, कॉल आएगी, लोग आपको बड़े बड़े इवेंट्स में कॉल करेंगे और वहाँ जाके आप अच्छे से गा पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट मेरा यही था कि आपको अपना प्लेटफॉर्म चेक करना है। तो इन तीनों को प्लीज़ चेक करिए। अगर आप इन तीनों पे खड़े हैं और इन तीनों में कोई कमी नहीं है, तो फिर एक और चीज़ है कि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, आपकी एज सिर्फ 25 है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप को अलर्ट रखिए। कोई भी मौका ना जाने दीजिए जहाँ से आप पैसा कमा पाए। जैसे ही आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने की, आप उसको ग्रैब करिए, ठीक?
ठीक है, और पैसा कमाइए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए पैसा कमाने में, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ करिए, जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, और एक दिन आएगा आप भी सोनू निगम की तरह हाई फाई परफॉर्मेंस देंगे और अच्छी अच्छी मूवीज़ में गाएंगे। अगर आपको मेरे सजेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे मेल करिए, मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर तो बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं इसी तरह बहुत सारे लोग इस सिचुएशन के बारे में सोचते होंगे कि वो क्यों अच्छे से अपने पैशन को फॉलो करते हुए नहीं कमा पा रहे, तो शायद हमारी वीडियोस से उनको भी एक अच्छा सजेशन मिल जाए। टिल देन बाय। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत